अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुलजिम सूरज सिंह की तरफ से माय डिफेंस लॉयर हूं। यह रहा मेरा वकालतनामा और ये जमानत के कागजात। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुलजिम सूरज सिंह की शराफत, ईमानदारी और नेकनीयती को नजर में रखते हुए इसकी जमानत मंजूर कर ली जाए और डिफेंस को इस केस को तैयार करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुलजिम सूरज सिंह को किसी भी कीमत पर रिहा ना किया जाए, क्योंकि इन पर दो दो जिंदगियों को कत्ल करने का सख्त इल्जाम है। दूसरा यह योर ऑनर कि एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद इन्होंने पुलिस की हिरासत से भागने का संगीन जुर्म किया है। और तीसरा यह योर ऑनर कि पुलिस की फाइल में साफ साफ लिखा है कि अपने टेंपर की वजह से इन्होंने कानून को कई मरतबा अपने हाथों में लिया है। इसलिए योर ऑनर, हालात की रोशनी में यह बात जरूरी है कि इनकी जमानत को नामंजूर किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि जमानत पर रिहा होने के बाद ये अपने खिलाफ सबूतों को टेंपर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये उस इलाके में पुलिस अफसर रह चुके हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है योर ऑनर कि इनकी जमानत को मंजूर ना किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। पुलिस का रिकॉर्ड, प्रोसिक्यूशन की दलीलें और केस की संगीनी को देखते हुए यह अदालत डिफेंस काउंसिल की रिक्वेस्ट नामंजूर करती। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह केस भी अपनी किस्म का अलग केस है योर ऑनर, जिसमें कानून तोड़ने वाला मुलजिम कानून का रखवाला भी है और इसके सर पे कत्ल के दो दो इल्जाम हैं। केस की ब्रीफ हिस्ट्री यूं है योर ऑनर कि मुलजिम सूरज सिंह की बीवी मरहूम रत्ना के मरहूम अनिल तनेजा के साथ नजायज ताल्लुकात थे, जिसके बारे में मुलजिम बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो दोनों को रेड हैंडेड पकड़कर सख्त से सख्त सजा देना चाहता था, जिसका मौका इन्हें 24 जनवरी को मिल गया योर ऑनर, जबकि आईजी साहब ने किसी सरकारी काम के सिलसिले में इन्हें पूना भेज दिया। पूना के ट्रिप का इन्होंने पूरा फायदा उठाया और वहां पर बैठकर एक मर्डर की स्कीम तैयार की। इन्होंने अपनी बीवी को बताया कि वो किसी सरकारी काम के सिलसिले में पूना जा रहे हैं और कल तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते थे योर ऑनर कि इनकी बीवी इनकी गैर मौजूदगी में अपने आशिक के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाएगी। योर ऑनर, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ही पाया। मरहूम रत्ना ने मरहूम अनिल तनेजा को उसी रात अपने घर पर बुला लिया। उधर मिस्टर सूरज सिंह ने अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक सबसे नजरें चुराकर तकरीबन 9 बजे बंबई के लिए टैक्सी ले ली और तकरीबन 1 बजे ये बंबई पहुंच गए। जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने इन दोनों को हम बिस्तर पाया और इनका कत्ल करने के बाद ये सुबह होने से पहले पूना रवाना हो गई। योर ऑनर, इनका चलाक जहन और इरादा कत्ल इस बात से भी जाहिर होता है योर ऑनर कि ये टैक्सी ड्राइवर को अपने मकान वाकया जानकी कुटीर तक लेकर नहीं गए, बल्कि उसे जुहू बीच पर ठहरने के लिए बोला है, ताकि वो आने वाले कल में इनके मकान की निशानदेही ना कर सके। पुलिस अफसर होने के नाते ये थोड़ा बहुत कानून तो जानते थे योर ऑनर, इसलिए इन्होंने एक बहुत बड़ी अलबाई को खत्म भी कर दिया। मुलजिम के कातिल होने के हक में एक दलील और जाती है योर ऑनर कि यह एक बहुत गुस्से वाला आदमी है और यह बात पुलिस के रिकॉर्ड में भी शामिल है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि एक गैरतमंद आदमी के लिए ऐसे मौके पर अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कत्ल तो फिर कत्ल है योर ऑनर, और कातिल
अपनी सजा का मुस्तहिक। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। सिर्फ कत्ल के मोटिव होने से किसी भी मुलजिम को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है, जबकि इस अदालत में अभी तक मोटिव के सपोर्ट में ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवाह पेश किया गया है। योर ऑनर, मैं अपने फाजिल दोस्त की बात का एहतराम करते हुए चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मेरी पहली गवाह है सूर्य सिंह की नौकरानी धुलिया। मुझे तुमसे सिर्फ इतना पूछना है कि तुम अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर चली जाती हो या इनके घर रहती हो। नहीं, मैं इनके घर नहीं रुकती। रात को 9:30 बजे मेम साहब मुझे छुट्टी दे देती हैं। अब ये बताओ कि कत्ल वाली रात 9:30 बजे तुम अपने घर चली गई थी या इनके घर रही थी। जी नहीं, उस रात मेम साहब ने मुझे 8 बजे छुट्टी दे दी थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। तुम जा सकती हो धुलिया। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, इस केस की तफ्तीश आप ही कर रहे हैं? यस सर। मौका वारदात पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिसने आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींची हो या कातिल की निशानदेही की हो? जी हाँ मिलॉर्ड, मुलजिम के घर के खिड़की के बाहर गीली जमीन पर मखसूस किस्म के जूतों के निशानात पाए गए हैं। किसके जूतों के निशानात? मुलजिम सूरज सिंह के। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मुलजिम सूरज सिंह के जूतों के निशानात थे? मिलॉर्ड, कत्ल की सुबह जब वो पूना से अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी की लाश को देखकर जरा घबरा सा गया। वो अपने आप को संभाल न सका और लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया। तभी मेरी नजर उसके जूतों पर पड़ी और जब जूतों के निशानात के फोटोज मेरे सामने आए तो मुझे मुलजिम सूरज सिंह पर शक हो गया। फिर मैंने खुद पूना जाकर तफ्तीश करनी शुरू कर दी और जब मुझे यह पता चला कि 24 जनवरी की रात को वो पूना से बंबई आए हैं और उसी रात वो वापस पूना चले गए तो मेरा शक यकीन में बदल गया। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. Thank you, Inspector Shakti. Thank you. Your Honor, मेरा अगला गवाह है टैक्सी ड्राइवर लाभ सिंह। आप ही का नाम लाभ सिंह है? हाँ जी, हमारा नाम ही सरदार लाभ सिंह है जी। लाभ सिंह जी, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं जो सामने कटघरे में खड़ा है? और जी चंगी तरह जी, कुछ दिन पहले हमारी टैक्सी में पुणे से बंबई, बंबई से पुणे चले थे। क्या आप अपने हर पैसेंजर को पहचान लेते हैं जिस तरह आप इनको पहचान रहे हैं? वैसे तो हर पैसेंजर की तस्वीर थोड़ी बहुत हमारी आंखों में छप जाती है, लेकिन ये साहब को तो हम कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने जाते हुए भी अपने भाड़े के ऊपर 100 की पत्ती दी थी और आते हुए भी 100 की पत्ती इनाम के तौर पर दी थी। लाभ सिंह जी, अगर आप मुझे बॉम्बे 3.5 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे तो मैं आपको भाड़े से 100 रुपए ज्यादा दूंगा। पूना से आप कितने बजे चले? रात के 9 बजे। बंबई में आपने उन्हें कहां, मेरा कहने का मतलब किस जगह उतारा? जुहू बीच पर। क्या मतलब? बाबूजी ने तो जुहू बीच पर गाड़ी रोक दी। ये लीजिए आपके अप डाउन का भाड़ा और 100 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा जी, मैं आधे घंटे में काम निपटा कर वापस आऊंगा। और आप आधे घंटे तक जुहू बीच पर ही खड़े रहे? वो कैसे खड़े नहीं रहता बाबूजी, उन्हें तो अप डाउन का भाड़ा जो है एडवांस में दे दिया था, ऊपर से 100 रुपए ही नाम। अब ठहरे हम सरदार जी लोग, बेईमानी थोड़ी ना कर सकते, वहीं पर ही खड़े खड़े इंतजार करते रहे। लाभ सिंह जी, ये आदमी आधे घंटे में वापस आ गया था? वो आधे घंटे से पहले आ गए थे जी, ऑटो रिक्शा में गए, ऑटो रिक्शा में वापस आ गए। अब एक आखिरी सवाल बताइए सरदार जी। पूछो जी पूछो, सारा दिन सवाल पूछते रहो, हम बोलते रहेंगे। एक बात बताइए सरदार जी, जब ये आदमी वापस आकर आपकी टैक्सी में बैठा तो आपने इसमें कोई तब्दीली महसूस की? तब्दीली कैसी साहब, ये इतनी देर में जनानी थोड़ी ना बन सकते थे। एक बात थी, रात के 2-3 बजे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ये साहब को पसीना बहुत आ रहा था। ये बात मेरे समझ में नहीं है। ये साहब मेरे सामने ऑटो रिक्शा में बैठ कर गए, ऑटो रिक्शा में वापस आ गए, लेकिन पसीना बहुत आ रहा था, ये समझ में नहीं आया। सरदार जी जल्दी चलो पूना वापस, उठो 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 जल्दी चलो। एक आखिरी सवाल सरदार जी। मैंने कहा ना बाबूजी,
तुसी पूछते जाओ, असी जवाब देते जाएंगे। आपने इन साहब से ये नहीं पूछा कि ये टैक्सी छोड़कर ऑटो पर क्यों जा रहे हैं? पूछा था साहब जी, पूछा था। ये साहब कहने लगे मेरा घर जरा गली में अंदर है, वहाँ टैक्सी नहीं जा सकती। इतने बड़े साहब जोड़ तोड़े ना बोलेंगे। मैंने ठीक सोचा ना साहब जी? जी असदा जी, आपने ठीक सोचा है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड योर ऑनर। मुलजिम कितना चलाक और शातिर आदमी है ये इस बात से साबित हो जाता है योर ऑनर कि ये टैक्सी जूहू बीच पर छोड़कर ऑटो लेकर घर इसलिए गया ताकि ये भोला भाला टैक्सी ड्राइवर आने वाले कल में इनके घर की निशानदेही ना कर सके। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। आप जा सकते हैं लाभ सिंह जी। शुक्रिया जी। योर ऑनर, सबूतों और गवाहों की बिना पर इस बात में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि मुलजिम सूरज सिंह ही असली कातिल है। उसके ऊपर लाभ सिंह की गवाही इस बात को साबित करती है के मौका वारदात पर मुलजिम सूरज सिंह मौजूद था और वो वक्त जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दर्ज है योर ऑनर। इसके बावजूद मुलजिम के पास कत्ल करने का मोटिव मौजूद था योर ऑनर। अब मैं कैसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो यह साबित करेगा कि मुलजिम सूरज सिंह कितना शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था योर ऑनर और वक्त आने पर यह किस हद तक जा सकता था। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मेरे फाजिल दोस्त जिस गवाह को यहां पेश करना चाह रहे हैं क्या वो एक एक्सपर्ट है, क्या वो एक साइकोलॉजिस्ट है? नहीं योर ऑनर, लेकिन वो उस हादसे का शिकार था जो मुलजिम सूरज सिंह के साथ ताल्लुक रखता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अपने आखिरी गवाह के तौर पर एक ऐसे नौजवान को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो मुलजिम सूरज सिंह के गुस्से की जीती जागती तस्वीर है। इस गवाह की गवाही से मैं अदालत को जैनशीन करवाना चाहता हूं कि मुलजिम सूरज सिंह गुस्से की हालत में किस कदर पागल हो जाता है। मिस्टर शंकर मुखर्जी अदालत में हाजिर हो। आपका नाम? शंकर, शंकर मुखर्जी। मिस्टर मुखर्जी, आपके ये राइट हैंड पर चोट कैसे लगी? टूट गया था, या कहिए तोड़ा गया था। क्या आप अदालत को बताएंगे कि यह हाथ किसने तोड़ा था? जी हाँ, ये सामने जो खड़े हैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह, उन्होंने 3-4 महीने पहले मेरा हाथ तोड़ दिया था। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. आप जा सकते हैं मिस्टर शंकर। थैंक यू योर ऑनर। इस डबल मर्डर का मोटिव तो मैं पहले ही एस्टेब्लिश कर चुका हूं और उसके ऊपर मिस्टर सूरज सिंह की शॉर्ट टेम्पर्ड तबीयत। जैसे ही मुलजिम को एक ठोस एलिबाई एस्टेब्लिश करने का मौका मिला तो इन्होंने एक फुल प्रूफ मर्डर का प्लान तैयार किया और एक ही झटके में अपनी बेवफा बीवी और उसके आशिक का कत्ल कर दिया। अब मैं अदालत से पुरजोर अपील करता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, अभी तक इस केस में डिफेंस ने कोई भी गवाही पेश नहीं की है, इसलिए इस अदालत में फैसले की मांग करना अभी प्रीमेच्योर है। अगर कोई ऐसी गवाही जो आपके क्लाइंट की सफाई पेश कर सकती है तो आप बड़ी खुशी से उसे अदालत में पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर धर्मेश को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर धर्मेश, 24 जनवरी यानी कत्ल वाली रात को आप कहां थे? उस दिन रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग पे गया था। वापसी मेरी गाड़ी खराब हुई और वेलकम गैराज से गाड़ी ठीक कराकर करीब 3-3:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा। एक और बात बताइए इंस्पेक्टर धर्मेश, क्या आप मरहुमा मिसेज रत्ना सिंह के साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे? जी हाँ। और आप दोनों में प्यार भी था? सो व्हाट। इंस्पेक्टर धर्मेश, आप मेरे सवालों का जवाब सही सही दीजिए। जी हाँ, हम दोनों में प्यार भी था। और अचानक 6 सालों के बाद आप उनसे मिले और आपके दिल में पुरानी मोहब्बत जाग उठी और आपने उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश शुरू कर दी। वकील साहब, आप एक बात भूल रहे, जब मैं उन्हें 6 साल बाद मिला तो एक शादीशुदा औरत थी। यकीनन वो एक शादीशुदा औरत थी इंस्पेक्टर धर्मेश, लेकिन आप अपने इश्क में अंधे होकर उन्हें अपने करीब देखना चाहते थे, इसलिए हर वक्त मौका बेमौका आप उनका पीछा करते रहते थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये सब कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूं इंस्पेक्टर धर्मेश कि आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि उस रात वेलकम गैराज का सारा स्टाफ अपने मालिक के बेटे की शादी का जश्न मना रहा था।
योर ऑनर, ये रहा वेलकम गैराज के मालिक का लेटर। इंस्पेक्टर धर्मेश, उस रात आप क्या कर रहे थे और आप कहां थे मैं बताता हूं। आप अपनी आदत के मुताबिक उस रात मरहूमा मिसेज रत्ना सिंह का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते आप मुलजिम सूरज सिंह के घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आपने अपनी पुरानी महबूबा मिसेज रत्ना सिंह को मरहूम अनिल तनेजा के साथ हम बिस्तरी करते हुए देखा, तो जेलसी में आकर आपने अपनी पिस्तौल उठाई और दोनों को गोलियां मारकर वहीं ढेर कर दिया। और अब आप एक झूठी अलबाई देकर इस अदालत को गुमराह कर रहे हैं। झूठ है ये यूर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर धर्मेश, सच और झूठ का फैसला ये अदालत करेगी, आप जा सकते हैं। यूर ऑनर, इस सिलसिले में मेरे दूसरे गवाह हैं खुराना डिटेक्टिव एजेंसी के रंजीत खुराना। मिस्टर रंजीत खुराना, क्या मिसेस शैला तनेजा ने आपको किसी खास काम के लिए एंगेज किया था? जी हाँ, इन्हें शक हो गया था कि इनके पति के किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात है। इसकी तस्दीक के लिए उन्होंने हमारे एजेंसी की सर्विसेज हासिल की थी। आप इस अदालत को बताइए मिस्टर खुराना कि जब मिसेस शैला तनेजा को आपने उन दोनों को होटल के कमरे में जाते हुए दिखाया तो क्या तब मिसेस शैला तनेजा को गुस्सा आया था? ऑफ कोर्स। क्या उस गुस्से के आलम में उन्होंने कुछ कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा था एक दिन मैं उन दोनों को गोली से मार दूंगी। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। अब एक आखिरी सवाल मिस्टर खुराना, क्या कत्ल वाली रात को भी आपने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी थी? जी हाँ, 24 जनवरी की रात को पता चलते ही मैंने उन्हें फोन करके बताया था कि आज की रात उनके पति होटल के बजाय मिसेज रत्ना सिंह के वहां गुजारने वाले हैं। थैंक यू मिस्टर खुराना, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिसेज शैला तनेजा को गवाह के तौर पर यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिसेज शैला, आपने अभी अभी मिस्टर रंजीत खुराना की गवाही सुनी। मैं चाहूंगा कि आप इस अदालत को बताएं कि मिस्टर खुराना की मरफत जब आपने उन दोनों को होटल माबल रॉक में अपनी आंखों से देखा तो क्या आपने ये कहा कि मैं उन दोनों को गोली से उड़ा दूंगी? जी हाँ, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में थी। और 24 जनवरी की रात जब आपको फोन पर पता चला कि आपके पति मिसेज रत्ना सिंह के यहां गए हुए हैं तो आपका तो खून खौल उठा होगा। जी हाँ। उसके बाद आपने क्या किया? मैं बहुत डिस्टर्ब स्टेट में थी, आप तो समझ सकते हैं। अगर किसी भी पत्नी को अपने पति के बारे में ऐसी खबर मिले तो उसका क्या हाल होगा। और इसी आलम में मैं एक लंबी ड्राइव पर चली गई। उस रात आप कितने बजे वापस आई थी? करीब 2 बजे। मिसेज शैला, यह अदालत इस बात को कैसे मान ले कि आप उस रात एक ड्राइव पर गई थी? क्या आपके पास कोई सबूत या कोई गवाह है जो इस बात को साबित कर सकता है कि आप एक ड्राइव पर गई थी? कैसी अजीब बात करते हैं वकील साहब, रात को 2 बजे मुझे गाड़ी में जाते हुए कौन देखेगा? और अगर कोई देखेगा भी तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसका मतलब यह है कि आयन कत्ल के वक्त आपके पास कोई अलिबाई नहीं थी। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वकील साहब, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है सच कहा है। आप झूठ बोल रही हैं मिसेज शैला, झूठ। सच क्या है मैं बताता हूं। 24 जनवरी की रात मिस्टर रंजीत खुराना की मार्फत जब आपको यह पता चला कि आपके पति मिसेज रत्ना सिंह के यहां पहुंच गए हैं तो आपने पिस्तौल उठाई, आप मौका वारदात पर पहुंची और आपने उन दोनों का कत्ल कर दिया और यही बात आप अपनी जबानी बता चुकी हैं। इसके अलावा मिसेज शैला, आयन कत्ल के वक्त आप अपने घर पर मौजूद नहीं थी, आप कहां थी उसकी भी कोई अलिबाई आप अभी तक अदालत में पेश नहीं कर सकी हैं। और आपकी यह बात कि आप एक लॉन्ग ड्राइव पर गई थी सरासर झूठ बात है। इसका मतलब है आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है। एग्जैक्टली मिसेज शैला, अपने पति का ही नहीं बल्कि मिसेज रत्ना सिंह का भी, क्योंकि कत्ल करने का भरपूर मोटिव आपके पास भी मौजूद है।